ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे राशन चाहिए, गरीब हूँ, वृद्ध हूँ। जी हाँ, ये बुजुर्ग अपने जिंदा होने का प्रमाण देते हुए राशन मांग रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित देखे जा सकते हैं। राशन डीलर द्वारा जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। पूरा मामला ब्लॉक मुजफ्फराबाद क्षेत्र के पाजराना गांव का है। बुजुर्ग व्यक्ति अख्तर ने बताया वह जिंदा है, लेकिन आपूर्ति विभाग ने उसे राशन कार्ड में मृत घोषित कर दिया। उसे एक साल से ज्यादा समय से राशन नहीं मिल पा रहा। लॉकडाउन में उसकी मजदूरी भी नहीं लग पा रही, जिस कारण उसे खाने तक के लाले पड़ रहे हैं। राशन डीलर उसे राशन नहीं देता। आपूर्ति विभाग का नया कारनामा सामने आया है। राशन डीलर से मिली भगत कर आपूर्ति विभाग ने जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। लॉकडाउन में राशन न मिलने से परेशान पीड़ित ने प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है। बुजुर्ग अख्तर ने बताया कि वह जिंदा है, लेकिन आपूर्ति विभाग के इस कारनामे के चलते लॉकडाउन में उसकी मजदूरी भी नहीं लग पा रही, जिस कारण उसे खाने तक। पीड़ित का आरोप है कि वे बार बार राशन डीलर के पास राशन लेने जाता है, तो राशन डीलर उसे राशन नहीं देता। अनपढ़ होने की वजह से उसे राशन कार्ड से नाम कटने की जानकारी नहीं मिली। अब लॉकडाउन में कागजों में उसे मृत घोषित किए जाने की बात पता लगी, जिसके बाद उसने एसडीएम बेहट को शिकायती पत्र देकर पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। आपका नाम? अख्तर जी। कौन सा गांव? पाजराना। क्या मामला राशन कार्ड का? अजय, मेरा नाम कटवा दिया। उम्र का अख्तर। अच्छा। एक कहा जा, हम एक लड़का हमारा वो हमारा हरियाणा में वही फंस गया। मैं हूँ जिंदा। अच्छा, राशन कार्ड हमारा वा दिखा दिया। राशन कार्ड वा मरा दिखा दिया। हर हूँ जिंदा। अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? जी नसरीन। कौन सा गाँव है? पाजराना। राशन कार्ड का क्या मामला? राशन कार्ड में जी नाम कटवा दिया अब्बा जी का। अकी उम्र गया, हमें लॉकडाउन की वजह से दिक्कत हो रही, राशन नहीं दे रहे जी। जी ये जिंदा है जी। राशन की क्या समस्या आ रही है? राशन की जी दिक्कत हो रही घर में लॉकडाउन की वजह से, तो राशन नहीं मिल पा रहा आपको? जी मिल नहीं पा रहा। ये कब से कटा हुआ है नाम? कब से मत दिखाया जी? 1.5 साल से नहीं मिल नहीं पा रहा। तो जब से शिकायत नहीं किया आपने? जी ना।